जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग स्वयं से घर पे माता तुलसी का विवाह कैसी सरल विधि से हम लोग उसको संपन्न कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझ में और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग भगवान शालिग्राम की और माता तुलसी का विवाह हम लोग संपन्न करा सकें। बस हम लोग भक्तिभाव से, प्रेम से, श्रद्धा से अपना भाव प्रकट कर सकते हैं और हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान का शादी विवाह हम लोग संपन्न करा सकें। माता तुलसी का विवाह देवउठनी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन संपन्न किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन जो है माता तुलसी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो इस साल 2024 में देवउठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और 12 नवंबर को शाम में 4 बजे के बाद 4:04 से द्वादशी तिथि लग जा रही है। तो आप 4:04 के पश्चात भगवान शालिग्राम का या भगवान विष्णु के संग माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के संग माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं, या फिर अगर आपने लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में नहीं रखा है, अगर आप उन्हें भगवान के रूप में मानती हैं, तो आप इनके संग भी माता तुलसी का जो विवाह आप संपन्न करा सकती हैं। देखिए, ये आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। ये जो मैंने चौकी स्थापित की है, ये देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें इस तरीके से अपनी चौकी स्थापित कर लेनी है, अपना पूजा पाठ हमें कर लेना, भगवान का हमारा आवाहन हो जाएगा, हमारा कलश देख के सभी जो है जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका आवाहन हो जाएगा। बस केवल शाम में हमें बहुत ही अच्छे से माता तुलसी का, भगवान शालिग्राम का हमें विवाह जो है संपन्न करा देना है। अब इस विवाह में बस ध्यान रखिएगा कि आप लोग शिव परिवार को भी अवश्य सम्मिलित कीजिएगा। जो भी फोटो आपके पास है भगवान शिव का, माता पार्वती का, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, इनको आप लोग अवश्य उसमें सम्मिलित कीजिएगा। और लड्डू गोपाल को अगर आपने रखा हुआ है तो उनको भी सम्मिलित कीजिएगा, क्योंकि अगर शालिग्राम भगवान की, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, माता तुलसी का विवाह संपन्न हो रहा है तो उसमें सभी का उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य होता है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि सभी लोग सम्मिलित होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे भी मंडप आपसे बन पड़े, अब मंडप बना लीजिएगा। मैंने 5 यहाँ पे गन्ना जो है यहाँ मैंने लगाया हुआ है और इस 5 गन्ने के माध्यम से मैंने, देखिए, ये मंडप मैंने बनाने का प्रयत्न किया हुआ है। आप लोग इससे भी अच्छा जो है मंडप बनाइएगा। मैंने बस केवल दिखाने के लिए आपको मंडप बनाया हुआ है। और देखिए, अगर आप खुले में ये पूजा करेंगी तो माता का श्रृंगार करके बाहर छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप कहीं भी अपने कमरे में एक चौकी लगा के वहाँ पर माता का विवाह अगर संपन्न कराती हैं तो इससे क्या होता है कि माता जो श्रृंगार करके रात भर उनको आप छोड़ सकती हैं, क्योंकि तुरंत माता का श्रृंगार का सामान नहीं हटाया जाता है। प्रयत्न करके आप लोग ऐसे जगह पर उनका विवाह संपन्न कराइएगा जहाँ पर उनको रात भर आप श्रृंगार में ही उनको आप छोड़ सके। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए हम लोग माता तुलसी का विवाह जो है बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही सिंपल मंत्रों से, क्योंकि माता तुलसी के विवाह में देखिए मंत्रों का बहुत ही कम प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग सामान्य लोग हैं, तो कुछ सिंपल मंत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे और बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से स्टेप बाय स्टेप जो है इनका पूजन हम लोग संपन्न करेंगे ताकि उसका पूरा जो लाभ हमें प्राप्त हो। अब हम लोग पूजा को अपने प्रारंभ करते हैं। आप लोग इस पूजा में जो है शिव परिवार को अवश्य सम्मिलित कीजिएगा, क्योंकि बिना हर के हरि खुश नहीं होते हैं और बिना हरि के हर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इन दोनों का जहाँ, अगर भगवान शिव का जो शादी हुआ था तो भगवान हरि सबसे आगे खड़े थे, तो जब भगवान हरि का जो शादी हो रहा है तो शिव भगवान का भी यहाँ पर सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए शिव परिवार को अवश्य ही सम्मिलित कीजिएगा। तो चलिए अपनी पूजा को हम बहुत ही भक्तिभाव श्रद्धा के संग इसको संपन्न करते हैं। देखिए, इस पूजा में जो है हम लोग सुबह ही सारी पूजा अपना बहुत ही अच्छे से संपन्न कर लिए हैं। हमारे जो कलश देव जो है वह हमारे जो वरुण देव हैं और जो हमारे 33 करोड़ जो देवी देवता हैं सभी लोग इसमें आवाहित हैं। हमारे नारायण भी हमारे आवाहित हैं। माता लक्ष्मी जो है यहाँ पे, माता तुलसा जो है साक्षात हमारे सामने विद्यमान है, इन्हें आवाहित ही नहीं करना है। बस हमें जो संध्या काल में 4 बजे के बाद से अपना पूजा जो है हमें बहुत ही अच्छे से अपना बस संपन्न करना है, ठीक है। तो हमें आवाहन का काम नहीं करना है, ठीक है, हमें सीधे अपनी पूजा अपने प्रारंभ करनी है। बस हमें जो अपना संकल्प है वो हमें बदलना होगा, क्योंकि अभी जो संकल्प हमने सुबह जो लिया था, हमने देवउठनी एकादशी की पूजा का संकल्प लिया था, तो अभी जो हम संकल्प लेंगे वो इनकी विवाह का संकल्प हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जो अपना शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है, उसके पश्चात जो है हम संकल्प लेंगे, क्योंकि हमारे सभी काम ने पूजा में संपन्न कर लिया है। बस सभी से श्रद्धा भाव से, बस विनय से सबको प्रार्थना करनी है कि आप सभी लोग अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए और इस विवाह को सब लोग बहुत ही अच्छे से संपन्न कराइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, तो कुसा से या फिर दुर्वा से अपने ऊपर हम जल छिड़केंगे और अपनी पूजा की जितनी भी सामग्री हमने रखी है सबके ऊपर हम जल छिड़केंगे। तो इस पूजा में मैं स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज़ें बताती जाऊंगी और पूजा की जो सामग्रियां हैं मैं आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना शुद्धिकरण हम करेंगे
ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्था गतोपि बाह्य स्मरे पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि है। मंत्र नहीं आता है तो सिंपली आप अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए और अपनी पूजा की सामग्रियों पे भी आप जल छिड़क लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात जो है, देखिए हमने भले ही सब कुछ सुबह किया था लेकिन जो पूजा में बैठते हैं तो बाहरी शुद्धिकरण और अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, तो दोनों काम हमें अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो तीन बार अपने हमें लेफ्ट हैंड से अपने अपने बाएं हाथ से अपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में हमें जो है तीन बार हमें जल ग्रहण करना होता है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, तीन बार कहते हुए हम जल ग्रहण करेंगे और चौथी बार जो है अपने हम ओम ऋषिकेशाय नमः करके हाथ अपना जो है हम धुल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो है हम आंतरिक शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके पश्चात जो है हम व्रत का संकल्प लेंगे। इस व्रत के संकल्प में जो है हम चावल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी के व्रत में और भगवान विष्णु की पूजा में हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम दुर्वा लेंगे, पुष्प लेंगे, जल लेंगे, दक्षिणा लेंगे और सफ़ेद तिल लेंगे, उसको लेके हम लोग जो है संकल्प लेंगे। तो ये जो संकल्प मैंने बनाया हुआ है वो 12 नवंबर दिन मंगलवार के हिसाब से ही मैंने संकल्प बनाया हुआ है, द्वादशी तिथि के हिसाब से मैंने संकल्प बनाया हुआ है। तो आपको बस केवल अपना नाम बदलना है, अपना गोत्र बदलना है और अपने क्षेत्र का नाम बदलना है और सब कुछ आपको वैसे ही बोलना है। मैं जब भी कोई आपको अगर संकल्प बताऊंगी तो मैं जिस दिन पूजा रहता है उसके हिसाब से मैं आपको संकल्प बताऊंगी, तो आप लोग संकल्प लेने में आप लोग को बहुत ही आसानी होगी। तो उस दिन के हिसाब से मैंने हिंदी में इसको संकल्प बनाया ताकि हर कोई संकल्प को ले सके, ठीक है। तो संकल्प हम बोलते हैं ओम तत्सत। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। मैं पूनम पांडे पराशर गोत्र में उत्पन्न भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी में शेखर नामी नगर में पिंगला नामक वर्ष में दक्षिणायन में शीत ऋतु में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में मंगलवार में द्वादशी तिथि में चंद्रमा मीन राशि में स्थित सूर्य तुला राशि में स्थित शुभ पुण्य तिथि पर श्रुति स्मृति और पुराणों में वर्णित पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए अपने परिवार के कल्याण के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य और धन संपदा में वृद्धि के लिए भगवान श्रीहरि नारायण के संग माता तुलसी का विवाह संपन्न करूंगी। यह कहते हुए जो है आप संकल्प का सामान जो है वो गणेश जी के पास आप छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे भगवान को हमें आवाहन की आवश्यकता नहीं है, तो हम बस सीधे जो है भगवान को प्रणाम करेंगे और उन्हें हम आसन प्रदान करेंगे। तो अब मैं जो है भगवान के सामने जो है भगवान की तरफ मैं अपना फेस कर ले रही हूँ और मैं पूजा को आगे आपको बताती चली जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि जो माता तुलसी है वो महालक्ष्मी है, तो इनको और श्री नारायण को हम लोग प्रणाम करेंगे क्योंकि भगवान जो हमारे साक्षात यहाँ पे उपस्थित हैं, इनको हम नमस्कार करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्करोमि नमस्करोमि नमस्करोमि। माता लक्ष्मी को और भगवान श्री नारायण को यहाँ पे हम आसन देंगे। देखिए ये जो पूजा है पूरी श्रद्धा भाव के संग करनी है क्योंकि भाव का ही पूजा ये है कि भगवान जो है माता लक्ष्मी और श्री नारायण हमारे सामने उपस्थित हैं, अब इन्हें हमें आसन देना है। तो हम जो 5 पुष्प लेंगे, अगर जितना पुष्प है उसके हिसाब से ले लीजिएगा और इन्हें आसन प्रदान करिएगा, भाव करिएगा कि हे लक्ष्मी नारायण मैं आपको आसन प्रदान कर रही हूँ और आप इस आसन पर विराजमान हो जाइए ताकि मैं आपका पूजन पाठन जो है वो संपन्न करूँ। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आसनम समर्पयामि। हे लक्ष्मी नारायण, मैंने पुष्प के स्वरूप में आपको आसन प्रदान किया है, आप दोनों लोग इस आसन पर विराजमान हो जाइए और अपनी पूजा का सौभाग्य हमें प्रदान करिए। लक्ष्मी नारायण अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। इस प्रकार जो है लक्ष्मी नारायण को हम आसन प्रदान करेंगे। इसके पश्चात हम ये भाव करेंगे कि इस आसन पे हमारे लक्ष्मी नारायण विराजित हो गए हैं और उनके पांव को हम उनका चरण धोएंगे, क्योंकि जैसे होता है ना शादी विवाह में थाली लेके उनका जो है पैर जो है धोया जाता है, तो इस तरीके से हम भाव करेंगे कि हमारे लक्ष्मी नारायण जो है यहाँ पे विराजमान है और उनका चरण जो है हम धोएंगे। तो एकाशमनी जल लेंगे और हम भाव करेंगे कि लक्ष्मी नारायण का जो है हम पैर धुलवा रहे हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। खाली पात्र में इसको हम छोड़ देंगे। तो जब इनका चरण हम धो लेंगे तो फिर हम लक्ष्मी नारायण को जो है वस्त्र अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पीला वस्त्र अर्पित करने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे पीला वस्त्र अर्पित किया हुआ है और माता तुलसा को जो यहाँ पे मैंने जो है ये चुनरी अर्पित की हुई है, ठीक है। ये माता तुलसी को मैंने चुनरी यहाँ पहनाई हुई है और भगवान श्री कृष्ण को मैंने यहाँ पे पीला वस्त्र पहनाया हुआ है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। ये लक्ष्मी नारायण, जो मुझसे बन पड़ा है उसके अनुसार मैंने आपको ये वस्त्र समर्पित किया है, इसे आप स्वीकार करें,
प्रसन्न हो जाएं और आशीर्वाद प्रदान करें। अब यहाँ पे हमारे ठाकुर जी आसन पे विराजमान हो गए हैं और इनको हम लोगों ने वस्त्र पहना दिया है, तो अब इनका हमें दोनों लोगों का हमको गठबंधन करना है, ठीक है। तो कि गठबंधन करने के पश्चात ही जो है ठाकुर जी का पूजा जो प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये शादी है तो हमें गठबंधन पहले करना होगा, ठीक है। तो गठबंधन में देखिए हमें अक्षर प्रयोग नहीं करना है। तो गठबंधन में देखिए हम सफ़ेद तिल लेंगे, पुष्प लेंगे, एक सुपारी लेंगे, एक दक्षिणा मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, एक का सिक्का भी ले सकते हैं और जो है इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और दुर्वा लेंगे, ठीक है। इतना करके जो है इन दोनों लोगों का जो हमने कपड़ा पहनाया हुआ है इसमें लेके इसमें हम बांध देंगे। वैसे देखिए शादी विवाह में तो जो होता है कि बुआ लोग करती हैं, भाभी लोग करती हैं, तो यहाँ पे तो हमें ही करना है। और गठबंधन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जैसे बहुत ही श्रद्धा भाव से भक्ति के संग इसे संपन्न कीजिएगा, ठीक है। तो अब इनका हम गठबंधन करते हैं और ओम लक्ष्मी नारायण मंत्र को हम बोलते जाएंगे, ठीक है। तो तुलसी का जो है ये जो इनका चुनरी है उसका कोना पकड़ लीजिएगा और जो है भगवान विष्णु का जो हमने पीताम्बर पहनाया हुआ है इसका कोना पकड़ के इसी में जो हमें एक गांठ लगा देना है, ठीक है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, 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 ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस तरीके से हमने जो है माता तुलसी का और भगवान विष्णु का हमने यहाँ पे गठबंधन करा दिया है। अब इसके पश्चात जो है माता को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। देखिए श्रृंगार की सामग्री में मैंने यहाँ पे कंघी रखी हुई है, चूड़ी रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने शीशा रखा है और यहाँ पे देखिए माता का जो सिंदूरा है ये माता को सिंदूर भर के इसमें अवश्य भर अर्पित कीजिएगा और इसी से जो है माता को सिंदूर लगाया जाएगा और इसी से जो सुबह हम जब अगले दिन जब हम व्रत का पारण करेंगे चौकी हटाएंगे तो उससे पहले सबसे पहले हम माता से इसमें से सुहाग लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने लाल सिंदूर भी रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए मैंने महावर रखा है, मैंने जो यहाँ पे मेहंदी रखी है, तेल है यहाँ पे नेल पॉलिश है, यहाँ पे जो है काजल है और मैंने यहाँ पे देखिए बिंदी रखी हुई है और मैंने यहाँ पे देखिए बिछिया रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि बिछिया जो है चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, अगर आपको चढ़ाना है तो आप बिछिया चढ़ा सकती हैं, नहीं चढ़ाना है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ये श्रृंगार की सामग्री हमें अवश्य चढ़ानी चाहिए, ठीक है। और ये जो श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाएंगे इसे हम स्वयं इसको प्रयोग करेंगे और अपने घर की जो अन्य सुहागिन महिलाएं हैं, अपनी नंद है, अपनी जो जिठानी है, जो भी सब लोग हैं उसको इसमें हम बांट भी सकते हैं, ठीक है। ये जो श्रृंगार की सामग्री है रात भर जो है माता तुलसी के पास जो रहेगा और अगले दिन ही इसको हम उठाएंगे, ठीक है। माता तुलसी को हम श्रृंगार की सामग्री में अर्पित करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। अब जो है माता तुलसी को जो है अच्छे से उनको चूड़ियां पहना दीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान से पहनाइएगा कि उनकी जो पत्तियां ना टूटें और वो सुंदर सुंदर लगें। इस तरीके से माता तुलसा को हम चूड़ी जो उनको पहना देंगे और जो एक श्रृंगार की सामग्री है उनके पास जो है हम चढ़ा देंगे, ठीक है। जो शीशा है ऐसे रखेंगे ताकि उनको दिखे, ठीक है। और ये सिंदूर है, सारी सामग्रियाँ जो है एक एक करके जो है माता तुलसा को हम अर्पित कर देंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। और ये जो सिंदूर है जो माता के लिए सिंदूरा हमने लिया हुआ है इसी सिंदूरे से, ठीक है, माता को सिंदूर लगाया जाएगा। ये जो सिंदूर है भगवान विष्णु को ऐसे हम टच कराएंगे, उनसे हम टच कराएंगे, उसके पश्चात जो है माता लक्ष्मी को जो है हम सिंदूर के एक एक पत्तों पे जो है अच्छे से सिंदूर इनको हम लगाएंगे, इनकी जो जड़ है, इनकी जो टहनियाँ हैं उसमें हम अच्छे से लगाएंगे। तो आज मैं सिंदूर नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि आज जो है द्वादशी तिथि नहीं है, तो इसलिए उस दिन आप लोग खूब अच्छे से माता को जो है सिंदूर इन्हें अर्पित कीजिएगा, बिल्कुल सुहागिन की तरह इनका श्रृंगार कीजिएगा। और इसी सिंदूरे से है जो अगले दिन है जब आप सुहाग लेंगी, इसी सिंदूरे से जो है आप जो है थोड़ा सा सुहाग लेंगी माता से, ठीक है। अगले दिन अपने मांग में भरेंगी आप, तीन बार लगाएंगी या फिर पांच बार लगाएंगी, ठीक है। सुहाग लेने का नियम होता है कि विषम की संख्या में लिया जाता है, तीन बार या पांच बार लिया जाता है और दो चुटकी जो सिंदूर निकाल के आपका जो अपना शादी का जो सौगैला है उसमें जो है इसमें आप डाल देंगी प्रसाद के स्वरूप में, ठीक है। तो ये जो सौगैला माता को अवश्य चढ़ाइएगा, उनका सौगैला उनके पास अवश्य उनके पास रहना चाहिए, ठीक है।
और इस सौगीले को हमें क्या करना है, बाद में जब इनका हम खोइछा भरेंगे, ठीक है, तो खोइछे में ही ये जो सौगीला है इनके साथ जो है हम उसको हम इनको दान करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो है भगवान विष्णु से ऐसे टच करा के हम माता लक्ष्मी को जो है हम गजरा पहना देंगे और ऐसे ही माता लक्ष्मी से जो है ऐसे गजरा हम टच करा के भगवान विष्णु को हम पहना देंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। अब जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को हम लोग धूप और दीप दिखाएंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, धूपम दीपम दर्शयामि। 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 धूप दीप दिखाने के पश्चात जो है अपने हम लक्ष्मी नारायण को नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य में देखिए जो भी आपसे उस दिन बन पड़े, जो भी मिष्ठान आपसे बन पड़े, जो भी फल आपसे बन पड़े, सब इन्हें भोग लगाई क्योंकि उस दिन शादी है, ठीक है। तो आज मैंने देखी यहाँ पे जो भी मुझसे मेरे पास था मैंने यहाँ पे देखिए ला लिया है, ठीक है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। और सभी भी जो है तुलसी दल अवश्य रखिएगा, ठीक है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वः, ओम अपानाय स्वः, ओम व्यानाय स्वः, ओम समानाय स्वः, ओम उदानाय स्वः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, आश्मनियम समर्पयामि। नैवेद्य के पश्चात हमें जो है एक अश्मनी उन्हें हमें जल अर्पित करना है। इसके पश्चात जो है हमें इन्हें मुख शुद्धि अर्पित करना है। तो मुख शुद्धि के लिए देखिए दोनों लोग को मुख शुद्धि लगेगी, ठीक है। अगर आप मीठा पान उस दिन चढ़ा सकते हैं तो अति उत्तम होगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप ऐसे दो साबुत पान ले लीजिएगा, ठीक है। दोनों पे देखिए अलग अलग दोनों लोगों को दोनों सुपारी रखिएगा, लौंग और इलायची रखिएगा, ठीक है। तो इसका बीड़ा बना के भी इन्हें आप चढ़ा सकते हैं और ऐसे साबुत भी इन्हें आप दोनों लोगों को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को मुख शुद्धि अर्पित करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, मुख शुद्धि वासार्थी तांबूल पूंगी फल इलायची समर्पयामि। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, मुख शुद्धि वासार्थे तांबूल पूंगी फल लौंग इलायची समर्पयामि। अब इसके पश्चात जो है हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कीजिएगा, जितना आपका सामर्थ्य होगा उसके अनुसार, ठीक है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, दक्षिणां समर्पयामि। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करने के पश्चात जो है हम ठाकुर जी का आरती उतारेंगे। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि आरती करने के पश्चात हवन भी करते हैं। अगर आपके यहाँ हवन होता है तो आप हवन भी कीजिएगा। हम लोग हवन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हवन भी करते हैं तो छोटा सा आप हवन भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि पूजा पाठ का जो भी कार्य किया जाए बहुत ही अच्छा ही होता है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका हम लोग आरती उतारते हैं। तुलसा महरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी के पत्र मंजरी कोमल बिन तुलसी, हरिये कन मानी नमो नमो। तुलसा महरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो। तो इस तरीके से जो है हम भगवान का आरती उतारेंगे, माता का हम खोइछा भरेंगे क्योंकि जो इनका जो पूजन हो जाता है, पूजन करने के पश्चात जो है माता का खोइछा भरा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, हर किसी को करना चाहिए, हर सुहागिन औरत को करना चाहिए। और ये जो खोइछा की सामग्री होती है अगले दिन जब हम पारण कर लेते हैं तो उस दिन हमें जो होता है वो सामग्री जो है या किसी ब्राह्मण को हमें दान करना होता है या फिर वो जो सामग्री है हम किसी देवी मंदिर में भी जाके वहाँ पर उनके चरणों में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये खोइछा में क्या क्या डलाएगा वो आपको भी बता रही हूँ। खोइछा में देखिए सबसे पहले जो एक आप चुन्नी लीजिएगा, ठीक है। आप कैसे भी चुन्नी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं, इस तरीके का भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो है कपड़ा हम फैला देंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात जो है माता लक्ष्मी को देखिए जो है चावल का खोइछा नहीं भराया जाएगा क्योंकि इस पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो हम जीरा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 5 बार जो है हमें माता को अपने इनकी खोइछा में जीरा हमें डालना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः,
ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस तरीके से जो पांच बार है माता को हम जीरा अर्पित करेंगे, तो जीरा जब हम पांच बार डाल लेंगे तो थोड़ा सा अपने थाली में बचा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो जब हम किसी को कोई सामान देते हैं तो पूरा नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा अपने थाली में बचा लेना चाहिए, बरकत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कीजिएगा। पाँच बार जीरा देने के पश्चात जो है हम पांच जो है गुड़ देंगे। गुड़ बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए आप लोग भी गुड़ ही दीजिएगा। आप गुड़ की जगह पे बतासा भी दे सकते हैं और लड्डू भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो पांच हम गुड़ देंगे, पांच हल्दी की गांठ हम देंगे, पांच जो है हम सुपारी देंगे, थोड़ा सा हम जो दुर्वा देंगे और इसमें हम दक्षिणा देंगे। ठीक है, इसमें हम दक्षिणा रख देंगे। तो इसको जो है माता लक्ष्मी का भाव करते हुए, माता लक्ष्मी का भाव करते हुए कि हे महालक्ष्मी, हे महारानी तुलसा, मैं आपका यह खुशा भर रही हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, और ये उनके चरणों में आप समर्पित कीजिएगा। इनको चरणों में आप समर्पित करके और माता से बोलिएगा कि हे माता, आप प्रसाद स्वरूप में थोड़ा सा जो है मुझे आशीर्वाद भी प्रदान कीजिए ताकि मेरे घर में बरकत बनी रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें जो है दो चुटकी जो है जीरा अपने आप थाली में जिसमें आप ली हुई हैं अब इसमें आप डाल लीजिएगा। ठीक है, दो चुटकी जो है प्रसाद स्वरूप में आप जीरा थोड़ा सा ले लीजिएगा अपने घर के बरकत के लिए, माता से प्रार्थना करते हुए कि आप मुझे प्रसाद स्वरूप में दो चुटकी जो जीरा मुझे आप दे दीजिए, कहते हुए आप मुझसे दो चुटकी जीरा लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो है इसको जो है आप अच्छे से इसको आप बांध दीजिएगा, इसमें आप जो है गांठ लगा दीजिएगा। ऐसे से गांठ बांध के फिर जो है इसको माता के चरणों के पास आप रख दीजिएगा। रात भर जो है माता के पास ही ये पड़ा रहेगा। ठीक है, अगले दिन जो है जब आप विसर्जन करेंगे इनका करेंगे तो ही इसे जो है आप मंदिर में आप दीजिएगा। इस तरीके से खोंचा बांध के माता तुलसी को हम अर्पित कर देंगे। और यहाँ पे जो है हमारी जो है माता तुलसी का जो विवाह संपन्न हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग श्रीहरि नारायण और माता तुलसी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमने भाववश श्रद्धावश जो भी मुझसे बन पड़ा है उस तरीके से मैंने ये विवाह मैंने संपन्न कराया है, मुझसे जो भी त्रुटियाँ हुई होंगी सब क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, ना तो हमें पूजा पाठ आता है, ना तो हमें मंत्र आता है, ना तो हमें कुछ भी आता है, ना हमें भक्ति भाव आता है। तो अब बस जो है पूजा मैंने संपन्न किया है, इसको आप स्वीकार कीजिए और पूरी पूजा जो है मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे लक्ष्मी नारायण, आपके चरणों में पूजा पाठ में सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि जब समर्पित कर देंगे ना तो इसका कोई भी दोष हमें नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कुछ भी हमसे त्रुटियाँ हुई हैं तो सब कुछ उनके चरणों में जो आप हैं समर्पित कर दीजिए पूजा पाठ को। और इनसे आशीर्वाद मांगिए कि हे लक्ष्मी नारायण, जो मुझसे बन पड़ा है उस तरीके से मैंने ये विवाह संपन्न कराया है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरा अखंड सौभाग्य बना रहे, मेरे घर में बरकत बनी रहे। अपने पति के लिए प्रार्थना कर लीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर लीजिए, स्वयं के लिए प्रार्थना कर लीजिए, अपने घर के लिए जो भी आपको प्रार्थना करना है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ये आप जब अगले दिन जब चौकी हटाएंगे उस समय भी माता से आशीर्वाद अवश्य मांगिएगा। और जो है मैंने बता ही दिया है कि सुबह में जो माता से आप सुहाग अवश्य लीजिएगा। ठीक है, और माता जो है ऐसे ही श्रृंगार करके रात भर रहेंगी, उनका श्रृंगार बिल्कुल मत हटाइएगा। जो प्रसाद हम भोग लगाएंगे भोग वगैरह सब हम लोग हटा लेंगे, उनका जो खुंचा का सामान है और उनका श्रृंगार का सामान है सब कुछ माता के पास ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से पूजा पाठ करके और अपने आसन के नीचे जो है तीन बार प्रणाम करके ओम इंद्र देवाय नमः, ओम शक्राय नमः बोल के वहां से उठिएगा। इस तरीके से हमारा जो है माता तुलसी के भगवान विष्णु का जो पूजा संपन्न हुआ, बहुत ही सरल तरीके से हमने ये पूजा को संपन्न कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।